Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो हम लोग देख रहे हैं नारायण भक्ति सूत्र। मैं शेयर करता हूं, शेयर स्क्रीन। या तो हम लोग देख रहे हैं नारायण भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 49। तो इसमें हमने पढ़ा था तात्पर्य, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे महाराज आगे कहते हैं, Even great souls who are liberated in Brahman realization become attracted to the narrations of Krishna in Srimad Bhagavatam. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो जिनको Brahman realization, जैसे हम देखते हैं भागवतम में कहा गया तीन प्रकार के realization, Brahman, परमात्मा और भगवान। तो इवन जो Brahman वाले हैं, जो महात्मा है, वो मुक्त आत्मा है। वो यहाँ पे हम लोग मायावादी की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग जो ब्राह्मण रियलाइजेशन वाले हैं, जिनका भागवतम में वर्णन हुआ है, उनका चर्चा हो रहा है। तो वो लोग भी जब भगवान कृष्ण का वर्णन सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं। और इसका हमने कई बार उदाहरण सुना है। एनीबडी Does remember कौन है वो? या ओके तो वो है सुखदेव गोस्वामी जी। हम देखते हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जी जो थे, वो पहले वो भी निराकार को मानते थे, और उनके पिता ने उनको आकर्षित करने के लिए श्रीमद् भागवतम के दो श्लोक अपने शिष्यों को सिखाए और कहा कि उसके सामने जाके इसका पाठ करो, और बार बार लकड़ी काटते काटते इसका पाठ करते, जानबूझ के उनके सामने ऐसा कर रहे थे। उनको पता नहीं सुखदेव गोस्वामी जी है, और वो जब सुना उन्होंने तो इतने आकर्षित हो गए कि ये किसका वर्णन है, क्या चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि हमको इतना ही पता है, आप हमारे गुरु के पास चलिए। और दूसरा उदाहरण है, हम लोग देखते हैं जो चार कुमार हैं, सनत, सनातन, सानंदर, सनत कुमार। तो ये चारों भी जो वैकुंठ के पास से गुजर रहे थे, और जब उन्होंने तुलसी का सुगंध, सिर्फ उनके चरणों में रखी तुलसी को सुगंध सूंघा उन्हें, तो वो भी आकर्षित हो गए। तो इवन जो ब्राह्मण रियलाइजेशन वाले हैं, वो भी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व है भगवान श्री कृष्ण। और फिर आगे कहते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे प्रिय राजन, मैं पूर्ण रूप से मैं उस आध्यात्मिक स्थिति में, स्तर पे मैं स्थित था, लेकिन मैं भगवान कृष्ण के लीलाओं की तरफ आकर्षित नहीं, I was nonetheless attracted to, नहीं फिर भी मैं भगवान कृष्ण के जो लीला है उसके प्रति आकर्षित हो गया था। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज से कुछ सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भी था ऐसा, लेकिन फिर भी मैं भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया। और वो कहते हैं, इसीलिए therefore I studied श्रीमद् भागवतम, और इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवतम अपने पिता श्रील व्यासदेव जी से इसका अध्ययन किया। ये आता है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 9 में। और चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी वो हमेशा भागवतम का श्रवण जो है, या श्रवण का आनंद लेते रहते हैं, एंड जो दूसरे वैष्णव लिटरेचर्स हैं उनका आनंद लेते हैं, एज वेल एज द पोएट्री ऑफ वैष्णव सेंट्स, जो हमारे वैष्णव संत हैं, जो दूसरे वैष्णव आचार्य हैं, उनकी कविताएं जो हैं, बहुत सारी जो है, जैसे
नरोत्तम दास ठाकुर जी है, भक्ति ठाकुर जी हैं, तो ये सब जो है इनके बहुत सारे कविताएं हैं। लेकिन यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु है वो उनके जो पहले संत थे जिन्होंने कविताएं लिखी थी उनके बारे में वो काफी श्रवण करते थे। फिर आगे कहते हैं and which he discussed among his intimate devotees, और वो सुनते थे, सब श्रवण करते थे और सबका अपने जो पार्षद गण हैं, जो भक्त हैं, उनके साथ में वो चर्चा किया करते थे। So renouncing the karma kandiya rituals of Vedas does not mean giving up the eternal pastimes of the Lord Krishna. तो जैसे नारद मुनि जी कहते हैं कि जो कर्म कांड को छोड़ना है हमें वेदों के, जैसे इसमें श्लोक में ही था कि वेदों को छोड़ना, तो वेदों को छोड़ने का मतलब है जो कर्म कांडीय सेक्शन जो है वेदास में उसका त्याग करना और भगवान के जो नित्य लीलाएं हैं उनका श्रवण करते रहना है। क्विकली दूसरा भी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। और दोस्त वो स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, जो जीवन में बहुत ही मतलब परफेक्शन का प्रयास कर रहे हैं, सर्टनली द रिलेवेंट पार्ट ऑफ वेदास इज नॉट रिजेक्टेड, तो वो जो उसका रिलेवेंट पार्ट है वो कभी रिजेक्ट नहीं करते। लेकिन कभी कभी भक्त जो है वो ऐसा वेदों के जो नियम दिए गए हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट करते हुए नजर आते हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। एक बार सर्वभौम भट्टाचार्य वो जो स्पॉन्टेनियस लव यानी जो एकदम जो प्रेम है भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे महाराज प्रताप रुद्र से। द किंग हैड ऑब्जर्व द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य अराइविंग इन पुरी विदाउट फॉलोइंग सम ऑफ द कस्टमरी रूल्स। तो जब महाराज उस राजा ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के कुछ जो भक्त हैं वो पुरी में आ रहे हैं लेकिन जो वहाँ के जो कुछ तथाकथित जो नियम है उसका पालन न करते हुए वो आ रहे थे, तब राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से पूछा, Why have they not observed the regulations for visiting the pilgrimage place? तो तब महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम जी से पूछा कि ये लोग क्यों ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जो धाम में आने का जो पूरी धाम में आने का जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे फास्ट करना चाहिए, सर का मुंडन करना चाहिए, तो ये सब ये लोग क्यों नहीं कर रहे? Why have they first eaten prasadam? पहले इन्होंने प्रसाद क्यों खाया? तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाराज प्रताप रुद्र को उत्तर देते हैं, What have you said is right? जो तुमने कहा है एकदम सही है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो इस धाम को गवर्न करती है, इसको चलाती है, लेकिन एक दूसरा मार्ग है विच इज पाथ ऑफ स्पॉन्टेनियस लॉ, यानी जो स्पॉन्टेनियस लॉ कैसे बोलेंगे हम लोग हिंदी में, आई थिंक रागानुगा भक्ति बोल सकते हैं हम लोग इसको, आई एम नॉट श्योर फॉर द टेक्निकल टर्म इन हिंदी स्पॉन्टेनियस लॉ, तो उसके बारे में जो है ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू उस, वो कहते हैं उस प्रिंसिपल्स के हिसाब से कुछ इंट्रिकेसीज है जो जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उसके क्या कहते हैं उसको पालन करने में कुछ इंट्रिकेसीज हैं, ऐसा चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 11वें अध्याय के श्लोका नंबर 111 और 112 में आता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात वहां पे उपस्थित थे और प्रसादम जो है वो सबको दे रहे थे अपने स्वयं के हाथों से, तो उनके जो पार्षद है वो उन्होंने सारा जो नियम है वो उन्होंने जो जैसे फास्टिंग करना चाहिए ये सब वो उसको नियम का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि साक्षात चैतन्य महाप्रभु जो है, जो साक्षात भगवान कृष्ण ही है, वो अपने हाथों से प्रसाद दे, तो वो जो है वो स्टेज अलग है और उस समय हम लोग ये जो कह रहे हैं महाराज प्रताप रुद्र से सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि तब ये लोग उस नियम का कैसे पालन करेंगे, तो मैं रुकता हूँ।
यहाँ पे और किसी का कोई क्वेश्चंस कोई कमेंट्स है तो एडिशनल हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। बॉबी यस माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सी आई ऑलवेज फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस यू नो फॉलोइंग द रिचुअल्स टू द टी पूरा, एंड जब छोड़ना है एंड जब यू नो करना है वो कैसे पता चलता है, एंड इज इट ओके समटाइम्स? बिकॉज समटाइम्स वी डोंट डू समथिंग बिकॉज यू नो वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स और रिचुअल्स प्रॉपरली। सो उस समय में इज इट ओके टू डू और नॉट डू प्रभु जी? बिकॉज आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज, बिकॉज मेरा भी यू नो श्री संप्रदाय में इतना यू नो रिचुअल्स एंड ऑल दैट आर देयर। आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल श्री संप्रदाय में विमेन विल हैव टू मैरिड विमेन when they're going and seeing the acharyas will have to wear the 9 yard sari, and Okay. they're very strict that way, you know, several things like that. And obviously the deities are also there, which is you know Narasimha Bhagwan, and so is it better to actually nobody will say any, sometimes they may say something, sometimes they may not say, but let's say you know my काम से अब जस्ट कम बैक एंड मुझे जाना है देखने के लिए, बट ऐसा नियम है, शुड आई फॉलो द नियम और बिकॉज आई एम अनेबल टू फॉलो द नियम शुड आई नॉट गो प्रभु जी? व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन दैट इंस्टेंस? एंड देयर आर आई एम प्रीटी श्योर यू नो सेवरल इंस्टेंसेस दैट कीप कमिंग अप लाइक दैट इन आवर लाइव्स। सो इफ यू आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल समटाइम्स वी एक्चुअली लूज द मेन गोल। So, क्या करना है उस समय में यू नो, एंड व्हाट इज द राइट वे टू से नो यू नो यू हैव टू फॉलो दिस, इट्स ओके इफ यू डोंट फॉलो दिस, वो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअली दिस इज लिटिल टेक्निकल एक्चुअली, बिकॉज वी कैन नॉट जनरलाइज समटाइम्स, हम लोग कभी कभी इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और जैसे हम लोग देखते हैं कि नियम का जो पालन होना ही चाहिए। अब यहाँ पे जो बात हो रहा है कि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया, देर आर टू सिचुएशंस, दो सिचुएशन। एक कि ये जो भक्त हैं ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, दे आर वेरी हाई स्टैंडिंग, सो फॉर देम इफ दे डोंट फॉलो इट इज ओके। एंड अदर थिंग इज लॉर्ड चैतन्य हिमसेल्फ वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद, सो इवन इफ इज नॉट उच्च कोटि का भक्त ही हैज टू ओबे चैतन्य महाप्रभु, हु इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कृष्ण, हम लोग मतलब है ना, व्हाट इज दैट, वेदिश्च सर्वे अहम् एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव च। वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा, ऐसे मैं सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता हूँ, कृष्णा खुद आके बोलिए प्रसाद लो, नहीं, मैं अभी नियम का पालन करूंगा, आप अभी जाओ, मैं नियम का पालन कर रहा हूँ, मैं नहीं खा सकता। सो दैट बिकम्स वेरी फुलिश, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं ये प्रसाद खाओ, और हम लोग बोलेंगे नहीं, ये नियम नियम है, मैं पालन कर रहा हूँ या मैं व्रत कर रहा हूँ। इवन इन दैट केस भगवान, हम लोग कुछ व्रत कर रहे हैं एंड भगवान खुद आके कुछ दे रहे हैं, तो यू कैन नॉट रिफ्यूज। सो देर आर टू सिचुएशंस, वन इज हैज इंस्ट्रक्टेड बाय गॉड और व्हाट ही इज सेइंग, एंड अदर इज वी कैन से फॉर हायर लेवल ड्यूटीज। नाउ इफ वी सी फ्रॉम अवर एंगल, वी आर सपोज टू फॉलो बिकॉज वी आर एट अ लेवल वेयर वी आर डूइंग साधना भक्ति, तो साधना भक्ति वी हैव टू फॉलो, हम लोग को हर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। वी आर नॉट एट दैट स्टेज कि वी कैन ओवरलुक, मतलब नहीं ठीक है ये पालन नहीं करूंगा तो चलेगा, ये पालन नहीं। फॉर अस वी आर एट अ स्टेज वी नीड टू फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो एज पर अवर लेवल वी हैव टू फॉलो दैट। बट व्हाट इज द केस यू आर सेइंग, मतलब कैन यू रिपीट अगेन, आई कुड यू सेइंग सम श्री संप्रदाय नो समथिंग।
Yeah, so Prabhuji, what happens is normally Ahobala Math mein, when the Acharya is there, when the Guru is there, the Ahobala Math, the Jir, that's what they're called. I think it's the 45th or the 46th Jir. So he carries the deities and, you know, he goes to different places and all that. Agar hame jaake darshan lena hai, to proper protocol is, if it's a, you know, a married woman, they have to go in the nine-yard sari. Yeah, that's the proper, you know, way of doing it and, you know, proper attire and all that. So my question is, wahan jaake Bhagwan ko dekhna important hai, you know, possibly going in a regular, you know, 5 yards or in a suit mein. I'm saying, you know, proper clothes. I'm not saying jeans or anything like that. But proper clothes mein that we normally, you know, I mean, because I see people here, you know, thoda, you know, at least south mein utna nahi karte hai log, you know, people still wear, you know, traditional clothes and go. I don't know now though, at least back in my time. So, par, let's say my kaam se, I'm just coming back and mujhe dekhna hai actually, you know, Narasimha Bhagwan ko, but I'm not able to kind of, get ready and go in that attire. So my question is, you know, seeing God is important or following the protocol is important? Got it. Yes. See, obviously, Bhagwan ko dekhna jyada important hai. We can see it from this way. And two situations. One is like you said ki main kahin bahar se aaya hoon or I'm come from somewhere out and the procession is going. So that time I don't have a facility. Mere paas us time nahi hai ki main ghar pe jaao, 9 yards ka saadi pehnu aur I have to wear dhoti kurta. Lord's procession is going. I don't have time. So whatever, मैं जीन्स में हूँ, टी-शर्ट में हूँ, whatever, I will rush and I will have darshan. But if I know कि मुझे कल सुबह जो है ये दर्शन करना है, still if I go in jeans and t-shirt, that is inappropriate. वो सही नहीं है. So we can take in these two situations. In general, we have to follow जो है, मतलब मंदिर भी जाना है, तो we have to go in a proper traditional attire. In case of emergency, that procession is going on, then I don't have, so I have to just rush and I take darshan. But in case I know already ki yahan pe abhi kal subah ya do din baad ya char din baad hone wala hai, and still if I go in some casual, some jeans and t-shirt, that is not correct. That should not be done. So main rule is we have to take darshan of the Lord. For that, jaise yahan pe kaha gaya hai ki some rules can be broken. So here, matlab abhi procession ja raha hai, Bhagwan ka palki ja raha hai ya rath yatra ja raha hai. Suddenly, I didn't even, it is going. So I cannot go home. For that instance, my first, my response should be, मुझे भगवान का दर्शन करना. सो दैट शुड बी डन. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. ठीक है, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो आई थिंक हम लोग फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग.